आपके साथ। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में एक्टर ने आरोपियों के वकील अमित मिश्रा को मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल आरोपी विकी गुप्ता और सागरपाल के वकील अमित मिश्रा ने 4 सितंबर को मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा था, मेरे क्लाइंट के परिजनों को जेल में बंद दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से डर है। वे सलमान के कहने पर सागर और विक्की का मर्डर कर सकते हैं। सलमान ने इसी बात पर मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस पर अमित ने कहा, मैंने तो बस अपने क्लाइंट का पक्ष रखा था, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी मुझे डराने और प्रेशर डालने के लिए मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है। मैं एक वकील हूं, लेकिन फिलहाल विक्टिम बन गया हूं। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार सलमान खान होंगे। इस लेटर में लिखा था, हमें आशंका है कि सलमान खान अपनी पावर का इस्तेमाल करके दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से विक्की और सागर की हत्या करा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि विक्की और सागर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। अमित ने कहा, सलमान खान ने मुझे लीगल नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर माफ़ी मांगने को कहा है। उस नोटिस में लिखा है, अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो मेरे ऊपर केस कर देंगे। आर्थिक जुर्माने की भी बात लिखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस बिना पर मुझे नोटिस भेजा गया है। मैंने तो बस आरोपियों के परिजनों का पक्ष रखा था। लेटर में जो लिखा था उसी को मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया था। अमित ने कहा कि राम जेठमलानी जैसे कद्दावर वकील ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ा था। इसके बाद वे सांसद और फिर देश के कानून मंत्री भी बने। फिर मैंने उन शूटर्स का केस लेकर कौन सा अपराध कर दिया जिसकी वजह से सलमान मेरे ऊपर इतना आक्रामक हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मुझे जानबूझकर कानूनी पचड़ों में फंसाया जा रहा है ताकि मैं परेशान होकर उन शूटर्स का केस छोड़ दूं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 18 सितंबर को एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन मुख्य पक्षकार होने के बावजूद मैं नहीं जा सका। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं डरा और सहमा हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे मेरा क्या होगा। अमित मिश्रा ने आगे कहा, एक वकील के संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया गया है। यहाँ तक मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसे भी झुकाने का प्रयास हुआ है। यह जानते हुए मेरी गलती नहीं है, फिर भी अगर सलमान खान को मेरी बातें बुरी लगी है तो मैं उनसे विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास न सलमान जितना पैसा है और ना ही उतनी पावर। मैं उनसे सीधे लड़ तो नहीं सकता। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।